हेलो दोस्त, आरआरबी ग्रुप डी परीक्षा 2/18 में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शेड्यूल का थर्ड लिस्ट जारी हो गया है। वो ये कहाँ पे है? तो आरआरबी अहमदाबाद, जिसमें जोन कह सकते हैं WR, और जिसका मुख्यालय मुंबई में है। तो यहाँ पे टोटल वैकेंसी के टर्म में बात करेंगे तो टोटल वैकेंसी इस आरआरबी में 6087 था, उसमें से पैनल 1 और पैनल 2 आ चुका है। दोनों को मिला के 4850 कैंडिडेट अभी पैनल लिस्ट 1 में आ चुके हैं। दोनों मिला के 1 में कितने आए थे? तो 4050 कैंडिडेट का, तो 2 में 805 कैंडिडेट का, यानी 4855 कह सकते हैं। यहाँ पे मैं 50 लिख रहा हूँ, 55 कैंडिडेट का लिस्ट आ चुका है। तो बचे हुए कितने अभी पोस्ट हैं? तो 1232 पोस्ट अभी भी खाली है। तो यहाँ पे 5 करने पे 1232 पोस्ट के लिए हो सकता है। एक सर्विस मैन की पोस्ट का अभी क्लियर नहीं किया है आरआरबी ने। अगर 1232 वाले एक सर्विस मैन की पोस्ट भी अगर दे देता है नॉर्मल कैंडिडेट का, तो ये थर्ड शेड्यूल में कितने कैंडिडेट का नाम है ये आप लॉगिन करके देख सकते हैं, कोई दूसरा व्यक्ति नहीं देख सकता। तो चलिए वेबसाइट पे चलते हैं। तो वेबसाइट पे हम चलिएगा तो वेबसाइट आएगा आपके पास WR का। तो WR का ये वेबसाइट आएगा जिसमें आप देखना चाहेंगे तो ये पूरी डिटेल में आपको दिया हुआ है। क्लिक हेयर टू डाउनलोड कॉल लेटर फॉर थर्ड स्टेट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑफ वेस्टर्न रेलवे में आपको न्यू आया हुआ है। इसके पहले अगर प्रोविजनल पैनल 2 के बारे में जानना चाहेंगे तो प्रोविजनल पैनल 2 है, इसमें टोटल कैंडिडेट 805 है, और प्रोविजनल पैनल पार्ट 1 ये था, इसमें आपको कैंडिडेटों की संख्या 4050 है। दोनों के बाद बचते हैं वैकेंसी 1232। तो इस पैनल आप लिस्ट को खोलिएगा तो कॉल लेटर में आपको अपना डिटेल भरना होता है जो कोई और नहीं भर सकता, जिसमें आपका रोल नंबर भरना है, डेट ऑफ बर्थ करना है, उसके बाद सबमिट करना है, तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन डिटेल मिल जाएगा जो PET क्वालिफाई कैंडिडेट हैं। तो इसमें कितने लोगों का नाम है कोई आइडिया नहीं है क्योंकि इसका नोटिस नहीं दिया हुआ है। फिर भी अगर आपने PET क्वालिफाई किया है तो एक बार चेक जरूर कीजिएगा, हो सकता है कि उस लिस्ट में आपका भी नाम हो। तो ये थोड़ी सी अपडेट थी। थैंक यू, धन्यवाद।